ताजा और विश्वसनीय खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए। कोतवाली पुलिस टीम ने जब्त की 24 गाड़ियां, 7 आरोपी युवक भी पकड़ाए। देवास पुलिस ने कारगर कार्रवाई करते हुए बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 24 बाइक जब्त कर 7 युवकों को भी पकड़ा है। पुलिस कप्तान डॉक्टर शिवदयाल सिंह के आने के बाद से देवास जिले में लगातार सख्त कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में एसपी के निर्देश पर पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गिरोह को धर दबोचा। पकड़ाए गए आरोपियों ने अलग अलग स्थानों से 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां चोरी की थी। आरोपियों ने देवास के अलावा इंदौर, उज्जैन, शाजापुर से बाइक चोरी को अंजाम दिया। इन आरोपियों को पकड़ने के लिए थाना प्रभारी एमएस परमार ने टीम का गठन किया था। इस संबंध में पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए एसपी डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने बताया कि टीम के उप निरीक्षक हर्ष चौधरी को बालगढ़ रोड पर आरोपियों के होने की सूचना मिली थी। आरोपी चोरी की बाइक बेचने की फिराक में थे। एसपी श्री सिंह ने बताया कि आरोपी हर्ष डोडिया निवासी उज्जैन और लखंडावी निवासी गोलवा मक्सी को पकड़ा गया है। इनसे पूछताछ के आधार पर बाइक खरीददार संजय, मनोज राजेंद्र, हुकुम सभी निवासी गोलवा और सुरेंद्र निवासी आगरो थाना टोखुर्द देवास को पकड़ा गया है। इन सभी के कब्जे से 12 लाख रुपए की कीमत की 24 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। सभी आरोपियों को रिमांड पर लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। देखिए, कोतवाली पुलिस ने आज 2 दर्जन मोटरसाइकिलों के साथ 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये देवास सहित आसपास के जिलों में चोरी किया करते थे और यहाँ से गाड़ियों को खपाते थे। इसे पूछताछ की जा रही है। आगे आने वाले दिनों में लगभग इतनी गाड़ियां और रिकवर होने की इन्होंने बताया है कि इनके पास है। कोतवाली पुलिस देवास में ये उल्लेखनीय उपलब्धि। सर, टीम को किस तरह का रिवॉर्ड दिया जाएगा? अभी इसमें 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। जो टीम है उसको 10,000 रुपए का इनाम। ताज़ा खबरों को पढ़ने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें राष्ट्रीय नवाचार ऐप, जहां प्रतिदिन मिलती है ताज़ा खबरें। तो देर ना करें, अभी डाउनलोड करें राष्ट्रीय नवाचार। अभी राष्ट्रीय नवाचार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को पुश करना ना भूलें।